जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोलन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिव कुमार शर्मा प्रधानाचार्य डाइट बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, वहीं संयोजक राम गोपाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस बैठक में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अध्यापक गण और क्षेत्रवासी शामिल हुए। जिन जिम्मेवार नागरिकों ने स्कूलों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि समूचे प्रदेश में केवल सोलन में ही इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। धरमपुर खंड में स्नेहलता वर्मा को मातृशक्ति आभार सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। मैं स्नेहलता वर्मा, SMC एडवाइजर, कॉमर्स इन सेकेंडरी स्कूल पोहली, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोलन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे डाइट द्वारा प्रतिवर्ष स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज और जितने भी हमारे टीचर्स हैं और जितने भी हमारे कम्युनिटी से ऐसे लोग हैं जो स्कूलों के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन्हें सम्मानित करती है। और लगभग ये हमारा पहला एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ये आयोजन करता है। मैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा प्रधानाचार्य डाइट और डॉक्टर राम गोपाल शर्मा जी कोऑर्डिनेटर डाइट और उनकी पूरी टीम का आज धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रतिवर्ष तीन तरह के पुरस्कार, सहयोग के लिए आभार, गुरु गौरव सम्मान और उत्कृष्ट SMC, ये पुरस्कार दिए जाते थे और इस वर्ष मातृशक्ति आभार सम्मान पत्र भी दिए गए। इसमें हर खंड से उन मातृशक्ति को चुना गया जिन्होंने अपने अपने खंड में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, अपने स्कूलों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इस वर्ष हमारे खंड धर्मपुर की तरफ से मुझे ये पुरस्कार दिया गया, तो मैं डाइट की पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये भी कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से शिक्षा विभाग जो है वो इस तरह के कार्य आयोजित करता रहे जिससे कि हमारे समुदाय को, हमारे अध्यापकों को और हमारे जितने भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं उन सबको प्रेरणा मिले। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोलन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिव कुमार शर्मा प्रधानाचार्य डाइट बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, वहीं संयोजक राम गोपाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस बैठक में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अध्यापक गण और क्षेत्रवासी शामिल हुए। जिन जिम्मेवार नागरिकों ने स्कूलों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि समूचे प्रदेश में केवल सोलन में ही इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। धरमपुर खंड में स्नेहलता वर्मा को मातृशक्ति आभार सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। मैं स्नेहलता वर्मा, SMC एडवाइजर, कॉमर्स इन सेकेंडरी स्कूल पोहली, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोलन का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे डाइट द्वारा प्रतिवर्ष स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज और जितने भी हमारे टीचर्स हैं और जितने भी हमारे कम्युनिटी से ऐसे लोग हैं जो स्कूलों के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उन्हें सम्मानित करती है। और लगभग ये हमारा पहला एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ये आयोजन करता है। मैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा प्रधानाचार्य डाइट और डॉक्टर राम गोपाल शर्मा जी कोऑर्डिनेटर डाइट और उनकी पूरी टीम का आज धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रतिवर्ष तीन तरह के पुरस्कार, सहयोग के लिए आभार, गुरु गौरव सम्मान और उत्कृष्ट SMC, ये पुरस्कार दिए जाते थे और इस वर्ष मातृशक्ति आभार सम्मान पत्र भी दिए गए। इसमें हर खंड से उन मातृशक्ति को चुना गया जिन्होंने अपने अपने खंड में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, अपने स्कूलों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इस वर्ष हमारे खंड धर्मपुर की तरफ से मुझे ये पुरस्कार दिया गया, तो मैं डाइट की पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये भी कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से शिक्षा विभाग जो है वो इस तरह के कार्य आयोजित करता रहे जिससे कि हमारे समुदाय को, हमारे अध्यापकों को और हमारे जितने भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं उन सबको प्रेरणा मिले।